सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 13 अमृतम संस्कृतम, इसका अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व मतलब संसार के, संसार की उपलब्ध भाषाओं में, कहने का संसार की उपलब्ध भाषाओं में का मतलब है संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा का मतलब सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। फिर से देखो, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम का मतलब है इस भाषा को, अनेकाशाम का मतलब अनेक भाषाओं की जननी, जननी मतलब माता, मता मतलब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये संस्कृत भाषा है ये अनेक भाषाओं की जननी है। इसका मतलब है कि अनेक भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन मतलब पुराना, ज्ञान और विज्ञान का निधि होता है बच्चों खजाना। पुराना या प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना अस्याम सुरक्षित है, इसके अंदर सुरक्षित है। ये किसके अंदर सुरक्षित है बेटा? संस्कृत भाषा के अंदर। ठीक है, फिर से देखो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम्। संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, महत्व विषय का मतलब महत्व के बारे में किसी ने कथितम, कथितम मतलब कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इसका अर्थ है भारत की प्रतिष्ठे द्वे, दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृत, संस्कृतम का मतलब संस्कृत, और संस्कृति, संस्कृतिस्तथा का मतलब है और संस्कृति, मतलब जो हमारी भारत की संस्कृत भाषा और उसकी भारत की संस्कृति, ये भारत की दो खास प्रतिष्ठाएं हैं, ये किसी ने कहा है। इसमें ये बताया है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है बहुत महान है, ये मतलब है कहने का। अगला पैराग्राफ, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। कौन सी भाषा के बारे में बात हो रही है यहाँ बच्चों? संस्कृत भाषा के बारे में। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत, यत का मतलब कि, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत, यत का मतलब कि, संस्कृत ही, संस्कृत में का मतलब है संस्कृत ही संगणकस्य, संगणक होता है बेटा कंप्यूटर, और अस्य मतलब के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा मतलब सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्यः वाङ्मय, ध्यान से देखो, अस्यः वाङ्मय है वेदई पुराणई नीतिशास्त्रई चिकित्सा शास्त्र आदि भिश्च, चिकित्सा शास्त्र आदि भिश्च समृद्धम अस्ति। अस्य मतलब इसका, वाङ्मय का मतलब होता है बच्चों साहित्य, जो इसका साहित्य है किसका? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है या भरा हुआ है। एक बार फिर से देखो, इसका वाङ्मय मतलब साहित्य, वेद, वेदई मतलब वेद, पुराणई मतलब पुराण, नीतिशास्त्रई का मतलब नीतिशास्त्र, और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है मतलब भरा हुआ है।
परिपूर्ण है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है, मतलब बहुत अच्छा है। और जो कालिदास है वो संस्कृत भाषा के कवि हैं। तो इसमें बताया है कि जब कालिदास इतने प्रसिद्ध कवि हैं, उनका काव्य सौंदर्य इतना सुंदर है, काव्य सौंदर्य अनुपम है, और वो किसके कवि हैं, संस्कृत भाषा के, तो संस्कृत भाषा महान हुई या नहीं हुई ये बताना चाह रहे हैं। तो कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य ने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र, ठीक है, वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और वो जो कौटिल्य हैं वो कौन सी भाषा के कवि, वो भी संस्कृत भाषा के हैं। आगे देखो, गणित शास्त्र ही शुनस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन या शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। तो इसका मतलब संस्कृत भाषा के जो कवि हैं, लेखक हैं, वो बहुत ही महान हैं। तो जब कवि इतने महान है तो संस्कृत भाषा भी महान है। गणित शास्त्र में शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा शास्त्र चरक शुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और शुश्रुत, ये दो अलग अलग नाम है, चरक शुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है, मतलब पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक ये वैद्य हुए हैं, चरक और शुश्रुत, ठीक है, आजकल जिन्हें आप डॉक्टर कहते हो, ठीक है। तो ये चरक और शुश्रुत जो दो वैद्य थे, चिकित्सा शास्त्र में इनका बहुत ही योगदान रहा है। संस्कृते यानी अन्यानी शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्र विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। उनमें संस्कृते यानी अन्यानी शास्त्राणि, संस्कृत में जो जितने भी शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान जो अंतरिक्ष वगैरह का ज्ञान देते हैं ना, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वैसे तो बहुत सारे शास्त्र हैं संस्कृत भाषा में, लेकिन उन सभी शास्त्रों में वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, इनके पांच के नाम गिनाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखने के बाद पुस्तक से इसे पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद।